अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है और अब हर एक एक्शन राहुल गांधी का जो है वो चर्चा का विषय बन चुका है। जहां आज कर्नाटक में 25वें दिन फिर सुबह से ये यात्रा शुरू हुई और यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी अचानक कर्नाटक के मस्जिद आजम में पहुंच गए। मीडिया इसका बखान करता, भक्त छाती पीटते और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले प्रवक्ता हैं वो इसका बखान करते कि मस्जिद आजम से जाने के साथ साथ तस्वीर कर्नाटक में राहुल गांधी की मठ में जाते हुए सामने आ गई। और अब जब मठ में तस्वीर सामने आ गई तो उसके कुछ ही देर बाद तस्वीर जो है कर्नाटक में ईसाई धर्म गुरुओं से और चर्च में जाते हुए राहुल गांधी की तस्वीर जो है वो देश की जनता के सामने आ गई। और जो छीछा लेदर करती भारतीय जनता पार्टी उसके गाल पर राहुल गांधी ने करारा तमाचा जड़ दिया। और किस तरीके से मस्जिद में जाने के बाद बौखलाहट मची है गोदी मीडिया में, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का हर एक्शन अब वायरल होता जा रहा है। कांग्रेस केरल के मुकाबले बीजेपी शासित कर्नाटक में इस तरह के रिस्पांस की उम्मीद नहीं कर रही थी। केरल में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिला था उसे देखते हुए कर्नाटक को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं थी, लेकिन यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश करने के बाद सुर्खियों में है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कल रविवार 2 अक्टूबर और आज सोमवार 3 अक्टूबर का दिन खासा महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में बीजेपी समर्थक मीडिया भी भारत जोड़ो यात्रा को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने वाली हैं। उसके बाद यात्रा नई गति पकड़ेगी। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में है। आज राहुल गांधी ने अचानक मस्जिद आजम और प्रसिद्ध सेंट फिलोमेन चर्च पहुंचे। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कई तस्वीरें ट्वीट की गई हैं। इसमें मंदिर, मस्जिद और चर्च में राहुल गांधी को दिखाया गया है। साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, तोड़ दो नफरत की दीवारें, आओ मिलकर कल सवारें। इससे पहले राहुल गांधी मैसूर के 1000 साल पुराने सुत्तूर मठ भी पहुंचे थे। मठ में राहुल गांधी ने दृष्टा शिवरात्रि देशकेंद्र महास्वामी जी से आशीर्वाद भी लिया था। भारत जोड़ो यात्रा का आज 25वां दिन है। राहुल गांधी सुबह मस्जिद और चर्च पहुंचे। इसके बाद राहुल मस्जिद आजम में गए और वहां नमाजियों और इमाम से मुलाकात की, उनसे दुआएं हासिल की। मस्जिद तक राहुल को लाने वाले पूर्व सीएम सिद्धरमैया थे। वहां पर और भी मस्जिदों के इमाम पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में लौटने की दुआ मांगी। मस्जिद के बाद राहुल ने सेंट फिलोमिना चर्च में जाकर फादर से मुलाकात की। यहां उनको ले जाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार सबसे आगे रहे। इस चर्च में भी मैसूर के सारे ईसाई राहुल को आशीष देने के लिए जमे थे। यहां पर राहुल गांधी के साथ लोगों ने तस्वीरें खिंचाई और उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस ने राहुल की अलग तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, मिटे नफरत, चारों तरफ हो प्यार का बोलबाला, यही संदेश है हमारा। एक दिन पहले राहुल गांधी ने मैसूर के प्रसिद्ध मठ के दर्शन भी किए थे। शिवरात्रि देशकेंद्र महास्वामी जी सुत्तूर मठ के 24वें पुजारी हैं। यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी राहुल गांधी के साथ थे। इस बीच राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर हमला बोला। भारी बारिश के बीच राहुल ने लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि बारिश भी नहीं। उन्होंने लिखा कि भारत को एकजुट करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, भारत की आवाज उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता।
राहुल गांधी ने सोमवार को मैसूर के होर्डिंग सर्कल में पैदल मार्च फिर से शुरू किया। यात्रा श्रीपटना, मांड्या और पांडवपुरा शहरों से होकर गुजरेगी। समापन से एक दिन पहले राहुल गांधी टीएस चतरा गांव में रुकेंगे। भारत छोड़ो यात्रा दशहरा के अवसर पर मंगलवार और बुधवार को दो दिनों के लिए रुकेगी। शहर के बाहरी इलाके में जैसे ही गांधी जनसभा स्थल पर पहुंचे, अचानक तेज वर्षा होने लगी। जब वायनाड के सांसद गांधी ने अपना भाषण जारी रखने का फैसला किया, तब लोगों ने उनके पक्ष में नारे लगाए। गांधी ने कहा, नदी जैसी ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इसी नदी में आप नफरत और हिंसा का कोई अंश नहीं देखेंगे, केवल प्यार एवं भाईचारा ही होगा, क्योंकि यही भारत का इतिहास है और यही उनके डीएनए में है। इससे पहले दिन में गांधी बदनूर मैसूर तक 10 किलोमीटर तक चले और सड़क के किनारे खड़े लोगों ने उनका स्वागत किया। पुलिस भीड़ को संभालती नजर आई। उन्होंने कहा कि दशहरे के कारण 4 और 5 अक्टूबर को यात्रा को विश्राम दिया जाएगा और फिर 6 अक्टूबर की सुबह यात्रा प्रारंभ होगी। लंबे समय बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। स्वास्थ्य कारणों के चलते वे पिछले कुछ चुनावों में प्रचार भी नहीं कर सकी हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने गत 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इन दिनों यात्रा कर्नाटक में है। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल का तीनों धार्मिक स्थलों पर जाना महज प्रतीकात्मक है, लेकिन इन जगहों की फोटो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इन फोटो पर टिप्पणी कर रहे हैं कि दरअसल भारत की मुकम्मल तस्वीर यही है जो ना जाने कहां खो गई थी। हर पार्टी को इसी तरह सभी धर्मों और संप्रदायों को साथ लेकर चलना चाहिए। बीजेपी के तमाम ट्विटर हैंडल ठीक से आज राहुल के इस कदम की आलोचना तक नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया के रुझान को देखकर लग रहा है कि पब्लिक को कांग्रेस का यही रूप पसंद है, इसलिए लोग वीडियो और फोटो को वायरल कर रहे हैं। आमतौर पर पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा करते हैं, लेकिन राहुल से जुड़े वीडियो और फोटो आम लोग रिट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं। और राहुल गांधी ने तीनों धार्मिक स्थल पर जाकर के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर दिया है, जो समय समय पर सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के इस कदम को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग भी सलाम कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।